शाही कोरमा है जी। या मेरा फेवरेट है तो आप जरूर ट्राई करिए। बहुत बढ़िया। अच्छा आपका घर तो बहुत खूबसूरत है लेकिन थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है? ये घर अब पूरा घर नहीं है, ये आधा होटल में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा। दिस इज कासल कानोता एंड वो पार्ट उधर जो है वो हमारा रेजिडेंस है, तो जनाना सेक्शन होता करता था लेडीज का, वो अब हमने हमारा प्राइवेट रेजिडेंस बना लिया है एंड बाकी को हमने होटल में कन्वर्ट कर। फैंटास्टिक। तो अभी एक ही होटल प्रॉपर्टी है या यू गॉट? नहीं, हमारे फैमिली की दो और प्रॉपर्टीज है, एक जयपुर में है नारायण निवास पैलेस के नाम से, फेमस नारायण निवास जहाँ पे पलेडियो भी है, पलेडियो एंड पलेडियो राइट। एंड एक हमारे मेरे फादर की मटरनल प्रॉपर्टी है, वो है बीसलपुर के पास में, उसका एक गाँव है राजमहल ऑन दी ऑन बैंक्स ऑफ बनास राइट, एंड वहाँ पे फोर्ट है, उसमें भी हम एक स्टार्टअप होटल कर रहे हैं। Fantastic. तो आप you're looking after all three properties. Yes, it's a family run business. बहुत बढ़िया। और ऐसा खाना तीनों प्रॉपर्टी में मिलेगा या अभी फिलहाल यही मिलता है खाना? नहीं, आप मिल तो हर जगह जाएगा, बट फादर की स्पेशलिटी है तो वाह फैंटास्टिक खाना, काउंटर रेसिपीज का खाना। ठाकुर साहब, हम आपका खाना खा रहे हैं इसलिए झूठ नहीं बोल सकते, द म्यूजियम सिर्फ एक्सक्यूज था। हमने सुना था कि आपकी फैमिली का एंड स्पेशली आपकी कुकिंग बहुत फेमस है, तो हम तो खाना खाने आए हैं। म्यूजियम मतलब बोनस। ये किसने कह दिया आपको? पहले मैं उस आदमी को पकड़ूं जिसने आपको मिसगाइड किया है। नहीं, पर जैसे भी किया बिल्कुल सच बोला, एक बाइट में पता चल गया कि पूरी महारत है आपकी खाने में। अब ये खाना तो क्या है, तो प्यार परोसते हम तो प्यार है, खाना सब जगह खाते हैं, सभी खाते हैं, सभी बनाते हैं अपने अपने तरीके से, ये तो प्यार है। बहुत बढ़िया। तो आपका फेवरेट डिश क्या है आपके आपकी प्लेट पे इस टाइम पे? मैं जो खा रहा हूँ ये नरदसी कोरमा है जी, इसमें अभी मौसम का भतवे का साग हमने डाला है और उसके साथ इसको बनाया। बहुत बढ़िया। आपने कुत्ते बिल्ली का वही नाम रखते हो, रॉकी पॉकी टॉकी वही रखते हो। बिल्कुल, वैसे काफी पॉपुलर नाम है रॉकी, मैंने सबसे ज्यादा कुत्तों के नाम रॉकी सुने आज तक। पर विदुषी जी, आपका फेवरेट क्या है प्लेट पे? फेवरेट तो सभी है, बट अभी हमने सीजन के हिसाब से चीज़ें बनाई हैं। जैसे मक्का अभी सीजन में है तो आपकी तीन वेजिटेरियन डिशेस मक्के की ही बनी है। करेले में मक्के की स्टफिंग है, राबोड़ी आपकी मक्के की बनी है, एंड एक और मक्के की डिश है, मक्के का सोयता। बहुत बढ़िया। आपका फेवरेट क्या है इस प्लेट पे? इसमें पचकूटा है जो सीजनल होता है जी, वो प्रेजेंट अभी जो आपका सब्जियां आती हैं सीजन की, जैसे काचरा है, गंवार फली है, चमले की फली का दाना, चमला जो होता है उसकी दाना, और उसमें हरी मिर्च और टमाटर, ऐसे पांच सब्जी, कोई भी पांच हरी सब्जी मिला के बनाते हैं, वो पचकूटा कहलाती है। वैसे रेस्टोरेंट में आकर इसको मिक्स वेजिटेबल बोलते हैं, पर ये गाँव का है कि जो खेत में मिली चार पाँच चीजें ला के मिक्स करके पका लिया। तो रेस्टोरेंट का भी तो वो हिसाब है कि जो जो कुछ रह गया वेजिटेरियन खाने में उसको मिक्स करके सर्व कर दिया, बोला ये मिक्स वेजिटेबल हो गया। पर गांव वाले बेचारे हैंड प्लक करके रहता। अच्छा, तो यहाँ से आपको फ्रेश प्रोड्यूस इधर से आसपास से मिलता है? अच्छा, तो वहीं से आता है ताजी सब्जी। वाह। और प्रताप जी, आपका फेवरेट क्या है प्लेट पे? ये है शाही कोरमा, काफ़ी माइल्ड है इन टर्म्स ऑफ मिर्ची, इसमें बिल्कुल भी नहीं है लाल मिर्च, बिल्कुल भी नहीं है, और इसकी तासीर बड़ी ठंडी है और एकदम जेंटल, द मीट इज बिकम सो सॉफ्ट, एकदम नरम हो चुका है मटन, खाने में एकदम मुंह में टूट जाता है। बहुत बढ़िया। सर, आपको कुछ पसंद आया प्लेट में? मेरे को सब कुछ ही बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ शाकाहारी खाना है, लेकिन ये जो करेला है विद द मकई फिलिंग, पुराने टाइम में, many years back when she was alive, my daddy used to make it like this. So thank you very much, मेरे को दादी की याद आ गई। अरे फिर डिफरेंस ये था कि वो धागे से बांधती थी, पर ये खुला है, बट दिस इज ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जब प्लेट में प्यार परोसा गया हो तो क्या फर्क पड़ता है क्या है, खाने का स्वाद बहुत ज्यादा उम्दा है, हर चीज का टेस्ट एकदम अलग है। धन्यवाद। लेकिन मैं प्रताप जी के साथ हूँ, ये मटन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। तो आप लोग हमारा खाना तो एंजॉय कर चुके हैं,
अब ये सराउंडिंग्स एंजॉय कीजिए, क्योंकि खाना तो सब जगह खाते हैं लोग, लेकिन इतनी खूबसूरत एनवायरनमेंट में बैठ के खाना, ये एक बहुत सौभाग्य की बात है। ठाकुर साहब, ठाकुरान साहब, स्वागत है आपका, फिर आओ, बहुत धन्यवाद, दोबारा पधारो। अभी यहाँ से जाएंगे तो फिर पधारेंगे, अब हम जाएंगे नहीं यहाँ से।